आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। देखिए यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन जो सीजीएल 10 जुलाई 2023 को पूछा गया है, एक क्वेश्चन जो कि देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि बी होल्ड को BDEHLO, ठीक है, तो बी होल्ड को क्या लिखा जाता है यहाँ पे, BEHOLD को लिखा जाता है BDEHLO। तो सबसे पहले हम लोग इसका कोडिंग कर लेते हैं। बी का कोडिंग हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 8, ये हो गया 15, ये हो गया 12 और ये हो गया 4। इसके बाद इसका कोडिंग करते हैं, इसकी ये हो गया 2 4 5 8 12 15। अब इसको मिलाते हैं, 2 से 2 गया, 5 से 4 गया है, -1 किया है, 8 से 5 किया है, -3 किया है, 15 से आपका 12 गया है, -3 किया है, 4 से 15 गया है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी देखते हैं, IND, यहाँ पे ये वाला देखते हैं। तो आई का कोड हो गया आपका 9, इसका हो गया 14 4, ठीक है, कोडिंग हो गया। हम लोग इसके बाद देखते हैं, देखिए 2 से 2 आया है, यहाँ पे 5 4 है, तो यहाँ पे ध्यान से देखने पे ये 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 8 12 13, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाया है। इसको भी देखिए, यहाँ पे 9 से 4, 14 से 4, 4 से 5, 5 से 5, इसमें कोई फिक्स वैल्यू या फिक्स कोई रूल नहीं लगाया है, इसमें भी असेंडिंग ऑर्डर में सजाया है, यानी कि बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा लिखा है, इसके बाद बड़ा बड़ा लिखते जा रहा है, ठीक है, DDEEIN, यानी कि 4 4 5 5 IN, इसी तरह कोर्स को भी हम लोग लिख देंगे। कोर्स यहाँ पे 3 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, 18 हो गया, 19 और 5, तो सबसे पहले 3 तो हमारा रहेगा ही, तो सी रहेगा, इसके बाद 3 के बाद 5 है, 5 है तो ई होगा, 5 के बाद आपका 5 से बड़ा 15 है तो ओ होगा, 15 से बड़ा आपका आर है तो 18 हो, आर होगा, आर के बाद एस है, एस इसके बाद यू, सबसे लास्ट में यानी कि CEORSU, यानी कि CEORSU डी इज़ द राइट आंसर। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, ठीक है, सीजीएल में एक रीजनिंग में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछा है ऐसा ही। कोई जरूरी नहीं है कि कोडिंग और डिकोडिंग से ही पूछे, कोडिंग डिकोडिंग से पूछता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें रूल लगाए, +2 करे -2 करे, ऐसा कोई नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखना है।